डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 6 और इसमें हम बात करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम इन हिंदी। और इसमें मुख्य रूप से कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको CCE बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन और नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन, इनके बारे में हम बात करेंगे। और पहले हम इनसे रिलेटेड थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे आज तक आए हैं 2012 से लेके आज तक, वो सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTA UGC NET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम इससे रिलेटेड जो थ्योरी है थ्योरी करते हैं। देखिए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझना जरूरी है, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों असेसमेंट और दूसरा है इवैल्यूएशन। देखिए असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट हमारा जब हम टीचिंग करते हैं उसके साथ साथ में चलता है, और जबकि इवैल्यूएशन है वो सबसे लास्ट में किया जाता है। अब देखिए असेसमेंट में इसके अंदर हम स्टूडेंट के अनुभव, उसके विचार, एटीट्यूड, उसकी नॉलेज को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम बच्चे की शिक्षा को और बेहतर बना सके। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम क्लास में जाते हैं और उसमें एक लेसन पढ़ाना होता है, मान के चलिए हमें पहली शुरुआत करनी है क्लास की, तो हम स्टूडेंट को खड़ा करेंगे और हम उससे पूछेंगे हाँ भाई ये बता ग्रेविटी के बारे में तू क्या जानता है, ठीक है? तो हो सकता है कई बच्चे टूटा फूटा जवाब दे और कई बच्चे हो सकता है ये कहे जी मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, हो सकता है उसका बोलना ही ना आ रहा हो। तो उससे हम समझ सकते हैं कि बच्चा कितना बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा, उसको कितनी नॉलेज है, हमें कितना पढ़ाने की ज़रूरत है। ये क्या है कि ये हम साथ के साथ करते रहते हैं, जबकि ये जो है इसमें मूल्यांकन में इसके अंदर हम मुख्य रूप से यह देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। इसके लिए हम टेस्ट, ग्रेड और परफॉर्मेंस इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने यूनिट टेस्ट ले लिया और जैसे लास्ट में एग्ज़ाम के बाद में हम एग्ज़ाम जैसे लेते हैं लास्ट में ईयरली एग्ज़ाम, तो उसमें हम देखते हैं बच्चे के कितने नंबर आए हैं, कितना उसमें सीखा है, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती है और इसमें मुख्य रूप से इसको हम इस तरह से जान सकते हैं। शिक्षा में सबसे पहले असेसमेंट आता है और उसके बाद में इवैल्यूएशन आता है। जैसे मान के चलिए हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम है 6 महीने बाद में, लेकिन 6 महीने से पहले तो क्या होगा, हम क्वेश्चन आंसर सुनेंगे बच्चे से, उसकी कॉपी चेक करेंगे उसने कितना काम किया या नहीं किया, अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसकी क्या कुटाई करेंगे, उसकी हड्डिया मसाला मांग रही है तो मसाला देंगे, है ना? तो ये चीज़ें होती है। तो पहले क्या होता है असेसमेंट होगा, उसके बाद में इवैल्यूएशन होगा। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं ए और ई, ए मीन्स असेसमेंट, ई फॉर इवैल्यूएशन। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो सकता है? देखिए असेसमेंट में क्या है, ये ऑन गोइंग है, ये चलती रहती है चलती रहती है, और ये प्रोवाइड क्लोजर, ये एग्जाम जैसे होता है ये प्रोवाइड क्लोजर प्रोवाइड करवाते हुए तेरे 50 नंबर है 100 में से, तेरे 37 नंबर है, इस तरीके से हम इसमें बताते हैं। ये पॉजिटिव होती है, इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चे की जो कमियाँ होती है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और इट इज़ ए जजमेंटल, इसमें हम जज करते हैं बच्चे को, ये बच्चा रद्दी है, ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा एवरेज है, इस हम जज करते हैं। प्रोवाइड फीडबैक, इसमें क्या है कि फीडबैक हम देते हैं बच्चे को, भाई बच्चे तूने ना ये काम सही नहीं किया, अच्छे से कर ले, नहीं तो तेरी पिटाई होगी। इट शो मार्क्स, इसके अंदर हम नंबर दिखाते हैं। इट क्वालिटेटिव और इट क्वांटिटेटिव, ये क्या होता है क्वालिटेटिव, इसमें हम बच्चे की जो भी कमियां हैं अच्छाई है जो भी उसके मम्मी पापा को भी बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं बच्चे की, और इसमें क्वांटिटी बताते हैं भाई आपके बच्चे के अब की बार 100 में से 37 नंबर ही आए हैं, पास पास हुआ है आपका बच्चा, ठीक है, इसमें हम नंबर बताएंगे। इट हैव डायग्नोस्टिक, ये क्या है डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव, ये देखिए डायग्नोस्टिक, इसमें बच्चे का उपचार किया जाता है, जो जो प्रॉब्लम होती है उसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है। इट हैव ओनली सुमेटिव, ये सुमेटिव होता है, इसके अंदर समरी बताई जाती है कि बच्चे ने आज तक क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। यह हम समय को बेहतर बनाने के, सॉरी, यह हम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर करते हैं, और इसको हम आखिर में करते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं, अभी हम आपको दिखाने वाले भी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ इवेल्यूएशन की बात करते हैं। एक तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, CCE की, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद में प्लेसमेंट इवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, ये सभी हम एक एक करके करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन की, और इसमें दोस्तों मैं आपको कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूँगा, और कुछ आपको कीवर्ड्स मैं बताऊँगा, उन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के आप बिल्कुल आसानी से बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। देखिए कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन के अंदर क्या होता है, ये क्या है, इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, CBSE द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसमें क्या करते हैं, इवेल्यूएट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, इसमें बच्चे के हर पहलुओं की जांच करने का प्रयास किया जाता है। इसमें दो मुख्य चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, एक तो इसे CBSE बोर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और दूसरा इसके अंदर बच्चे के हर पहलू को जांचने का प्रयास किया जाता है। तो ये दो चीज़ें इसमें होती है जी। एक मिनट रुकिए दोस्तों, तो हाँ जी, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता हमें, एक तो इसे CBSE द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसमें दूसरी जो बात है इसमें बच्चे के हर एक पहलू का ध्यान रखा जाता है। अगले दोस्तों प्लेसमेंट इवेल्यूएशन है, स्थानांतरण मूल्यांकन इसको बोलते हैं। इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है। देखिए हमारा बच्चा एक स्कूल में तीसरी क्लास में थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, और हमें स्कूल चेंज करना है, तो अगला स्कूल वाला क्या करेगा, उसका टेस्ट लेके देखेगा कि इसको मैं दूसरी क्लास में एडमिशन दूँ या तीसरे में दूँ या चौथी क्लास में एडमिशन दूँ। तो इसको हम प्लेसमेंट इवेल्यूएशन बोलते हैं, प्लेसमेंट करना, प्लेसमेंट में इसको कहाँ पर प्लेस करें, और इसमें क्या होता है उस समय टीचर यह देखते हैं कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, इसे कौन सी क्लास में एडमिशन देना है, बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, उसकी रुचि क्या है, ये सब कुछ इसमें जानने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद में फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है, और ये देखिए फॉर्मेटिव, इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं हिंदी में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो मैं बता देता हूँ, प्रोवाइड फीडबैक। अब देखिए फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या है, इसको हम सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्मेटिव मतलब फोर, यानी कि साल में चार बार मतलब मूल्यांकन करना बच्चे का समय समय पे, हो सकता है उसका यूनिट टेस्ट ले रहे हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हो, तो उसका बच्चे का समय समय पे हम मूल्यांकन करते हैं। और इसमें क्या होता है प्रोवाइड फीडबैक, इसमें बच्चे को हम फीडबैक देते हैं, जैसे मान के चलिए यूनिट टेस्ट लिया है, यूनिट टेस्ट में बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो हम उसको बताएंगे भाई तेरे जो नंबर है वो कम है, इसको तू सुधार ले। हो सकता है उसके मम्मी पापा को भी हम इसके बारे में बताएं, उनको भी हम इंट्रोड्यूस करें भाई आपके बच्चे के नंबर कम है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कंटिन्यूसली फीडबैक लेते भी हैं और देते भी हैं, बच्चे को पूछते हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, नंबर कम क्यों आए हैं।
और इसमें जैसे वीकली टेस्ट हो सकते हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जहां भी आपको क्वेश्चन में फीडबैक दिखाई दे वहां पे क्या आएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिव के अंदर एफ आ गया और फीडबैक के अंदर एफ आ गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, एफ एफ हो गया। जहां पे फीडबैक होगा वहां पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। ये देखो, इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। इसको हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन भी इसको बोलते हैं। इसमें हम बच्चे की कमियां और उसकी अच्छाई देखने का प्रयास करते हैं। अगर बच्चा मतलब कि कोई लेसन याद नहीं कर रहा है तो उसको हम आसानी से समझाएंगे, बच्चे याद कर ले, ये सही बात नहीं है, आगे एग्जाम होने वाले हैं, फिर तेरे नंबर कम आएंगे तो फेल हो जाए, उसको पहले क्या है कि समझाने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चा नहीं मानेगा तो फिर पहले क्या करते थे, पहले हड्डियों को मसाला देते थे ना, कुटाई होती थी, मुर्गे बनाए जाते थे, बहुत पिटाई होती थी पहले, पहले उस तरह से डायग्नोस किया जाता था। लेकिन आज डायग्नोस करने का तरीका अलग है, यानी कि इसमें उपचार किया जाता है, निदान किया जाता है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पहले डराया धमकाया जाता था, ठीक है। और फिर आगे हमारा सुमेटिव इवैल्यूएशन है, अंतिम मूल्यांकन इसको हम बोलते हैं। सुमेटिव मूल्यांकन में क्या होता है, इवैल्यूएशन कैरी आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स, कोर्स ख़त्म होने के बाद में ये हमारा मूल्यांकन होता है। ईयरली एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं लास्ट में, और जिसको हम पक्के एग्ज़ाम बोलते हैं ना, फाइनल एग्ज़ाम, वो होते हैं ये। और इसमें क्या है कि इसमें कोई भी बच्चे को फीडबैक वगैरह नहीं दिया जाता, जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हो सकता है कि कई बार पहले क्या होता था, दसवीं क्लास में पहले के ज़माने में जो हमारा रिज़ल्ट है वो न्यूज़पेपर में आता था ना, याद है किस किस का न्यूज़पेपर में आया हुआ है रिजल्ट, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस दौरान बच्चे को अंक, ग्रेड और सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट मिलता था ना हमें, इसमें हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इसको हम बोलते हैं। इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, इसमें कोई सुझाव नहीं दिया जाता, और इसमें कोई कुटाई वुटाई नहीं होती। इसमें फेल है तो फेल है, पास है तो पास है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसमें बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए पहले कुछ ग्रेड, अंक, पोजीशन या किसी अन्य तरह का क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है। अब जैसे मान के चले कि जैसे हम सी टेट में होता है, सी टेट में अगर आपके नंबर 82 से ज़्यादा आएंगे तो आपका ये पास माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले ही कुछ ग्रेड निर्धारित कर दी जाती है, अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। जिस बच्चे के नंबर 70% से ज़्यादा आएंगे उसको ए ग्रेड दिया जाएगा, जिसके 60% से ज़्यादा आएगा उसको बी ग्रेड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से पहले एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है, तो ये होता है। आगे हमारा इसमें नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन, मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है, टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें क्या करते हैं कि आर डिज़ाइन टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसमें दो बच्चे होते हैं या दो ग्रुप होते हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे प्रतियोगिता होती है ना, चार बच्चे इस साइड में होंगे, चार बच्चे इस साइड में होंगे, और उनको हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी टीम ने ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो इसमें कंपैरिजन किया जाता है दो बच्चों का या दो टीम का। उसके बाद में CBCS, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम। देखिए, स्टूडेंट हैव ए चॉइस टू चूज फ्रॉम द प्रीसब्सक्राइब्ड कोर्सेज। अब इसके अंदर क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है, स्टडी मटेरियल ले सकता है। जैसे इग्नू की बात करें, इग्नू में जब भी हम किसी कोर्स में एनरोल करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट आ जाएंगे, हम उनमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चुन सकते हैं। तो उसको हम CBCS बोलेंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलेंगे। और अभी देखिए दोस्तों, ये हमने 7-8 तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम की है, इनके बारे में अगर आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने देखी, यहाँ पे डिटेल में ये सारी चीज़ें दी हुई है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो ये डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, शॉर्ट कट बताई है, वही चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। और जो चीज़ें मैंने उस एक पेज दो पेज के अंदर बताई है, शॉर्ट कट कीवर्ड जो बताए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आप देखना, चुटकियों में आप आंसर कर देंगे जी। तो यही है दोस्तों इसके अंदर। ये देखो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है। ये वही चीज़ें सारी दी गई है यहाँ पे।
और उसके बाद में जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस, अब ये देखो जिस बच्चे के नंबर 90% से 90% और उससे ज़्यादा होंगे उसको ए ग्रेड दिया जाएगा, 80 से लेके 89% होंगे उसको बी ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया हमने पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए भाई, अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ जी, ये आ गया, ये देखिए, ये हम देखते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेल्युएशन असेस द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक। ये देखो यहाँ पे क्या बात आ रही है, कंटिन्यूस फीडबैक की बात आ रही है। और फीडबैक के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फीडबैक में एफ, एफ से क्या हो गया, एफ, एफ से एफ, डबल एफ। ये देखिए इसमें क्या आएगा, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आएगा। समय समय पे फीडबैक किसमें दिया जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाए। अभी आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, आगे फिर ये क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट एक्सेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू द स्टूडेंट। अब दोबारा फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें फिर क्या आ गया हमारा, फीडबैक आ गया। तो फीडबैक का क्या आएगा, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। पहले 2000 किस में आए, ये 2013 में आए, और फिर ये 2014 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद में हम जैसे ये बात करते हैं, इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या करते हैं, निदान करते हैं, उपचार करते हैं, कुटाई करते हैं, ठीक है। ये देखो, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ प्रीसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। अनुदेशन के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका निदान क्या कर सकते हैं, उससे ये रिलेटेड है। और आगे हम देखें, जैसे ये देखिए आगे है हमारा, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब देखिए इसके अंदर क्या है हमारा, बी और सी और डी। ये देखिए, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इट रिप्लेस मार्क विद ग्रेड, इसमें ग्रेड दी जाती है। इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये बात हम पढ़ के आए थे ना, इसमें बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है, ये सबसे पहले हमने चीज पढ़ी थी। और इट हेल्प्स इन रिड्यूस एग्जामिनेशन फोबिया, तो ये इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। और देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए और ये स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फॉर स्टडी नोट्स वीडियोस पेपर डाउनलोड निमिज नेट ऐप। यहाँ पे आपको सभी यूनिट के क्वेश्चन पेपर अलग अलग क्यों मिलेंगे। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन टीचिंग के आए हैं वो अलग है, रिसर्च के अलग है, आईसीटी के अलग है, सभी 10 यूनिट के क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। और प्लस में सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। जी तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अब देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखें जैसे इसमें आंसर 4 इसका दिया हुआ है, 4 में क्या है, बी डी एफ, बी डी एफ। बी डी एफ में जो हमने कीवर्ड्स थे वो कीवर्ड्स है या नहीं है वो चेक करते हैं। ये देखिए करेक्ट फीडबैक, फीडबैक की बात आ गई, फॉर्मेटिव में फीडबैक की बात कर ली हमने, ठीक है। ट्यूचर टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही उसके जो डाउट है वो क्लियर कर देगा, क्योंकि समय समय पे ये किया जाता है ना, बच्चे से सवाल जवाब किए जाते हैं। और उसके बाद में द लर्नर्स मोटिवेशन इज राइज बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर सेशन किए जा सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आगे हम देखें दोस्तों इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए, ये हमारा 2019 में आया है, ये देखिए, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टी ऑफ लर्नर। ये देखो डिफिकल्टी, ये देखो अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों पर बल, उसकी पहचान और बल किस पे दिया जाता है, बच्चे में क्या कठिनाई आ रही है, उसमें क्या कमियां हैं, ये पहचान किस में की जाती है, ये हमारी, ये देखिए डायग्नोस्टिक में की जाती है ना, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में, निदानात्मक मूल्यांकन में ये सब किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से, अब ये देखो किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये देखो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यहाँ पे, और ये कब का है,
20 जून 2019 का, और आगे फिर से ये देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है। तीसरा चौथा क्वेश्चन है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का। अब ये देखिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये इसका राइट आंसर कोज एंड रेमेडीज, ये देखो ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप छोटे छोटे कीवर्ड्स को ध्यान रख के भी बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं जी। और भी क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये फिर आ गया हमारा फॉर्मेटिव वैल्यूएशन आ गया ठीक है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन ये आया 2019 को, इसमें हम क्या करते हैं ये देखिए इसका एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, इसमें स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस करने का प्रयास किया जाता है ठीक है। और हम देखें इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन काफ़ी तरह के क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एक क्लास में करवा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, पहली बार में नेट जेआरएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें सभी मिल जाएंगे आपको। व्हेन द टेस्ट डेटा टेल एस अबाउट अस स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशियंसी इन ए डिफाइन एरिया, तो उसको हम किस तरह का मूल्यांकन कहेंगे। जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्राओं के प्रवीणता स्तर को इंगित करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहेंगे उसको। ये देखिए एक हमने लेवल डिसाइड कर दिया बच्चे का, वो बताया था ना मैंने, जिसके 90% से ऊपर नंबर है उसको ए ग्रेड दिया जाएगा, जिसके 80 से 89 है उसको बी ग्रेड दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि हमने लेवल डिसाइड कर दिया स्टूडेंट का ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग वहाँ पे हमारा होगा ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन है हमारे, आप ये देख लेना भाई यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। और उसके बाद में मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें देखिए फॉर्मेटिव सुमेटिव और क्राइटेरियन और ये है हमारा नॉन रेफरेंस। ये देखिए कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर, कंपैरिजन किस में किया जाता है, नॉन रेफरेंस में किया जाता है इसमें ठीक है। कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट अगेंस्ट प्री सब्सक्राइब्ड स्टैंडर्ड, जब पहले ही एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है उसमें कंपैरिजन किया जाता है, तो वो किस में होगा, क्राइटेरिया में होगा। यूज प्राइमरली फॉर मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग पर्पज ऑफ लर्निंग ठीक है। और अब ये दूसरा देखते हैं, यूज प्राइमरली फॉर ग्रेडेशन ऑफ प्रोग्रेस मेड। अब देखिए इन दो, अब पहले इन दोनों का देखते हैं, ये देखिए सी का टू और डी का वन, सी का टू किसमें है, सी का टू इसमें ये रहा ठीक है, और डी का वन किसमें, इसमें ये रहा ठीक है। ये दोनों के दोनों अपने सही हो गए, तो यहाँ से अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ए का थ्री है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन यूज प्राइमरी फॉर मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग पर्पज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन देना समय समय पे बच्चों को, अगर कोई बच्चा मतलब बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी देना, तो ये किस में होता है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन में ही तो होता है ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों, तो काफ़ी क्वेश्चन है इसमें भाई, आप ये देख लेना। और ये देखो हमारा सुमेटिव वैल्यूएशन आ गया, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन फॉर गिविंग ग्रेड मार्क्स क्रेडिट टू द स्टूडेंट, कौन से असेसमेंट में बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, क्रेडिट दिए जाते हैं, वो हमारा सुमेटिव वैल्यूएशन में ठीक है। और ये देख सकते हैं 2023 को एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें बताना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, और ये नोट्स चाहिए तो हमारी ऐप निमिजनेट डाउनलोड कर लेना जी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे।
नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हजार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।